1947 में महात्मा गांधी ने कहा कि ये जितने टैक्स अंग्रेजों ने लगाए थे ये सब खत्म करो। गांधी जी बार बार यही कहते थे अंग्रेजों की व्यवस्था को खत्म करो, ये नहीं चाहिए हमें, क्योंकि अंग्रेजों ने लूटने के लिए ये व्यवस्था चलाई। लेकिन महात्मा गांधी का दुर्भाग्य ये था कि वो सब खत्म करने से पहले उनको मार डाला। अगर वो जिंदा रहते तो ये लड़ाई हमें नहीं लड़नी पड़ती, भारत स्वाभिमान नहीं करना पड़ता, वो गांधी जी खुद ही कर जाते ये काम, क्योंकि उनको समझता था कि ये सिस्टम अंग्रेजों ने बनाया है लूटने के लिए। अब हमारा दुख और दर्द यही है कि 15 अगस्त 1947 को जिस सिस्टम को उठा के फेंक देना चाहिए था, जला देना चाहिए था, उसको हमने ना फेंका ना जलाया, उसी सिस्टम को आगे बढ़ाया। अब वही सिस्टम चल रहा है और भारत को लूट रहा है। अब होता क्या है कि पहले जहां गवर्नर जनरल होता था वहां भारत के पुढ़ारी हैं, इस समय कोई चीफ मिनिस्टर है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर है, कोई कॉमर्स मिनिस्टर है, ये सब गवर्नर जनरल की ताकत वाले अधिकारी हैं जिनको हम पुढ़ारी कहते हैं, मंत्री कहते हैं, और उसके नीचे कमिश्नर कलेक्टर की पूरी हायरार्की खड़ी है लूट में मदद करने के लिए। तो आज के जो काले अंग्रेज हैं जिनको हम पुढ़ारी कहते हैं उनको मैं काला अंग्रेज कहता हूं, क्योंकि इन सब में आत्मा अंग्रेजों वाली ही है। ये देखने में भारतीय लगते हैं, कपड़े भी आपके जैसे मेरे जैसे पहनते हैं, आत्मा इनकी पूरी अंग्रेजों वाली है। आज के पुढ़ारी किसी भी मामले में रॉबर्ट क्लाइव से कम नहीं है। रॉबर्ट क्लाइव ने लूट का जो रिकॉर्ड बनाया, पुढ़ारियों ने वो रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया है अभी।